हेलो एवरीवन, सभी को जय जिनेन्द्र। मैं कल्पना जैनजी वर्ल्ड चैनल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। आज हम आए हैं अपने महासमिति महिला मंडल इंदौर से गौशाला में। ये मैं आपको यहाँ से पूरा यहाँ सब व्यू दिखा रही हूँ गौशाला का। चल रहे हैं हम अंदर गौशाला के अंदर। यहाँ से बहुत बड़ी गौशाला है। पहले भी मैंने एक वीडियो डाली थी मकर संक्रांति पे, और आज हम फिर से आए हैं गायों को यहाँ चारा खिलाने के लिए। इस गौशाला में कम से कम यहाँ पर 5,000 गायों का यहाँ पर पालन पोषण होता है। इंदौर की सबसे बड़ी गौशाला आपको हम लेकर चल रहे हैं आज हम। ये देखिए, यहाँ पर गौ माता की यहाँ सेवा की जाती है। बहुत बड़ी देखो गौशाला। यहाँ पर ये देखिए, बहुत बड़ा यहाँ पर गौशाला के बना हुआ है। और बहुत कम से कम यहाँ सब मिलाकर टोटल 5,000 गाय यहाँ पर हैं। तो आज हम सब हमारी महिला मंडल जो कि इकट्ठे होकर यहाँ पर आए हैं और आज गायों को चारा खिला रहे हैं। चलते हम आगे की ओर, धीरे धीरे चल रहे हैं हम दूसरी और गायों की ओर। ये देखिए यहाँ पर एक और बाड़ा। ये बहुत सारी गाय यहाँ पर, छोटे छोटे बछड़े हैं यहाँ पर। और अब एक और अंदर, ये देखिए अभी सारी गाय बाहर वहाँ पर चारा खाने गई है, तो इसलिए ये पूरा खाली है। नहीं तो यहाँ पर भी पूरा ये भरा रहता है यहाँ पर, क्योंकि ये गाय हैं। तो और चल रहे हैं हम आगे। हाँ आ रही हूँ। देखिए, जैसा मैंने बताया था कि महासमिति महिला मंडल यहाँ पर सभी गाँव को घास चराने आई है। हम ले रहे हैं यहाँ से वीडियो, आपको दिखा रहे हैं पूरा डायरेक्ट लाइव। यहाँ पर ये देखिए सारी, ये देखिए यहाँ का एक और यहाँ आगे छोटा सा बना हुआ है बाड़ा, यहाँ का भी हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं। ये सारी महिला देखिए यहाँ पर सभी गायों को लड्डू और चारा खिला रहे हैं। कहते हैं कि गायों को चारा खिलाने से सारी बीमारियाँ दूर होती हैं। हम ले चल रहे हैं आपको आगे की ओर। ये देखिए ये एक और देखो, यहाँ पर भी ये बना हुआ है। यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो, उधर भी अंदर। हाँ ये अभी एक और अंदर यहाँ बना हुआ है। चलते हैं एक और अंदर की ओर अपन, और दिखाते हैं यहाँ पर भी एक गाय, बहुत सारी गाय बंधी हुई है। बहुत सारी अंदर एक और आगे छोटा सा बाड़ा, यहाँ भी गाय बंधी हुई है। ऐसे अलग अलग पार्टनर बना रखे हैं, छोटे छोटे पार्टनरशिप में ये बना रखी है। अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग गाय बांध रखी है। तो कुछ दूध देने वाली गाय हैं, कुछ पालतू ऐसी ही गाय हैं जो कि लोगों को इतना आनंद आ रहा है यहाँ पर घास खिलाने में कि एक एक है ना, यहाँ पर एक एक गाय को यह घास खिला रहे हैं। और देखिए बहुत बड़ी एकड़ ज़मीन पर ये बनी हुई है गौशाला। मैंने बताया आपको कि यहाँ कम से कम 5,000 गायों का यहाँ पर पालतू यहाँ है यहाँ पर, और सबका पालन पोषण होता है। देखिए मैं आपको एक अंदर से और लेके जा रही हूँ यहाँ खुले में। ये जो गाय हैं जो खुले में मैं लेकर जा रही हूँ, ये
सारी गाय दूध देने वाली गाय है। ये देखिए आप पीछे, ये देखिए, ये सारी दूध देने वाली गाय है, तो इसलिए अभी यहाँ पर चारा खिलाने के लिए इनको मना कर दिया। ये देखिए यहाँ पर, और वापस से हम चल रहे हैं और नए बाड़े की ओर। तो देखा यहाँ से कितने प्यार से ये लोग घास खा रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर छोटी छोटी गायें हैं यहाँ, ये कितने प्यार से घास खाते हैं ये लोग। सभी चाहते हैं कि हमारी बीमारियां दूर हों, और अपने धर्म में बताया है कि गायों को चारा खिलाने से सारी बीमारियां दूर होती है। तो यदि आप लोग भी कभी इंदौर आएँ तो इस गौशाला में ज़रूर आएँ। इंदौर में रेलवे क्रॉसिंग के इधर गौशाला बनी हुई है, गौशाला जीव दया करके, बहुत बड़ी है। किसी से भी पूछेंगे तो कहीं भी लोकेशन कोई भी बता देगा। देखिए यहाँ पर ये गाय को यहाँ पर भूसा भी खिलाया जा रहा है। ये देखिए, अब सब लोग, ये लोग वापस आ रहे हैं घास खिला के। ये देखिए ये पूरा, यहाँ से मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ इतनी बड़ी गौशाला का। ये यहाँ पर भैया हैं जो गायों को लड्डू खिला रहे हैं।